मथुरा जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सीओ सदर द्वारा वृंदावन थाना क्षेत्र अंतर्गत विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान व्यवस्थाएं परखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि जैसे जैसे होली का पर्व नजदीक आ रहा है, जनपद पुलिस की चिंता की लकीरें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे के निर्देशन में सीओ सदर प्रवीण मलिक द्वारा मथुरा के थाना वृंदावन इलाके में विभिन्न स्थानों पर पैदल गश्त की गई और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जहां संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों को चेक किया गया, तो वहीं वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुगमता को देखते हुए यातायात व्यवस्था को लेकर लोगों को किस प्रकार पुलिस मदद कर सके, सभी व्यवस्थाओं की सीओ सदर प्रवीण मलिक द्वारा बारीकी से जांच की गई और इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जैसा कि आप अवगत हैं कि शनिवार इतवार को वृंदावन में और खासतौर पर बांके बिहारी के आसपास में बहुत ही भारी मात्रा में श्रद्धालुगणों की एक भीड़ रहती है, उसी को लेकर हमने पहले एक मीटिंग की थी और कल के ड्यूटी चार्ट को प्रिपेयर किया है और जो आसपास की दुकानें हैं उन लोगों को भी बताया कि अतिक्रमण ना करें, अतिक्रमण हटा लें। कल थोड़ा सा हमें इस पर ध्यान देना है कि अगर कोई गाड़ी इधर की तरफ आएगी तो वो चौक की स्थिति उत्पन्न कराएगी, तो वो भी एक अवेयरनेस का हमने प्रयास किया है। सर, कल की व्यवस्थाएँ लगातार आपके द्वारा परखी जा रही हैं, यहाँ आपने क्षेत्र में भ्रमण भी किया है, क्या कुछ निर्देश आपके द्वारा यहाँ? जो हमारा एक सेट प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग वन वे सिस्टम को लागू करते हैं, उसी के लिए हमने जो भी बिहारी जी चौकी से फोर्स लगता है, अन्य की जो फोर्स लगती है बाहर के जो थानों से आती है, उसी का पॉइंट वाइज डिस्कशन करके ड्यूटी लगाई है और हम प्रयास करेंगे कि सभी का जान माल की सुरक्षा रहे और सुगम दर्शन हो और कोई भी आपात की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर ही हम लोगों ने मीटिंग की थी।